हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये एक नो कांटेक्ट अपडेट है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस वक्त जब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तब यही हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ऑल साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। मेल फीमेल देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं और जनरल है गाइस ये रीडिंग। हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपसे मैच नहीं करेगी। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए। ओके, सो ये है कार्ड्स जो निकल के आए हैं। बॉटम डेक में है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो हो सकता है आप दोनों पहले फ्रेंड्स हो और फिर आप दोनों रिश्ते में आए। तो सबसे पहला कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़। मुझे लगता है इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर पहले वो आपकी कोई बात थी जो मान नहीं रहे थे, जिस पे आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा था, आप दोनों के इनडिफरेंसेस हो रहे थे, आपका ओपिनियन अलग था, उनका ओपिनियन अलग था, या वो कुछ और चाह रहे थे और आप कुछ और चाह रहे थे, तो नाउ दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ओके, दूसरा न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि सब कुछ भूल भाल कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नई शुरुआत की जाए आपके साथ। फैमिली इशूज़, किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इशूज़ आ रहे हैं। फैमिली एक बहुत बड़ा रीज़न बन रही है आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट का, ये भी हो सकता है। ठीक है, चॉइसेस, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास चॉइसेस है, नॉट जस्ट रोमांटिक, हो सकता है उनका करियर और आप, उनके फ्रेंड्स और आप, उनके फैमिली और आप। ठीक है, या आपके पास चॉइसेस है, ऐसा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे है ये कुछ इनिशियल्स, तो इसमें या तो आपका नाम हो, नाम का पहला अक्षर होगा, या उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। ठीक है, सो ये मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। एंड लेट्स सी के क्या, क्यों, कैसे चल रहा है आप दोनों के बीच में। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या कुछ चाहते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड है, मैसेज इन अ बॉटल एंड यहाँ पे यांग। ओके, सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स है 9, 15 और 1, कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो, ये आपके, ये अपने फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, अभी तक ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी इनसेंसिटिव हुआ करते थे, मतलब जब से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट आया है, ये पर्सन ने कभी भी एक, जैसे हमारी मदर हमारे बारे में सोचती है ना, विथ कंपैशन, विथ लव, एट मोस्ट अनकंडीशनल लव, वैसे ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ईगो में या स्टबर्न एनर्जी में थे, फिक्स्ड माइंडसेट में थे। तो अब ये पर्सन धीरे धीरे चेंज हो रही है इनकी एनर्जी और वो एक फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, उनको प्रोसेस कर पा रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द वो अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस भी करेंगे। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर
यू नो यू आर अ फीमेल एंड आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी की कमी अगर आपको महसूस हो रही थी तो आप देखोगे कि बदलने वाली है ये सिचुएशन. आप काफ़ी ग्राउंडेड एंड काफ़ी वेल बैलेंस्ड फील करोगे इमोशनली. काफ़ी इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन. दूसरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कोई मैसेज इन्होंने लिख कर रखा है या सोच कर रखा है बट अभी तक वो आपको सेंड नहीं किया है, या कुछ सोच रखा है कि ये बोलना है, ये मैसेज कन्वे करना है, लेकिन उन्होंने अब तक वो मैसेज आपको दिया नहीं, आप तक पहुंचाया नहीं. बट बहुत ही जल्द मुझे लगता है नेक्स्ट हो सकता है कि नेक्स्ट 15 आवर्स में किसी के लिए इनके तरफ से कोई मैसेज आ जाए आपके पास. ठीक है, हो सकता है कि कोई कोड वर्ड में कुछ बात करे आपसे, तो आपको लग सकता है कि मतलब वो सिर्फ आपको ही पता होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, या फिर यू नो किसी अजीब ही तरीके से ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे. कुछ ऐसा बोले या कुछ ऐसा सेंड करे जो आप जानते हो, जो आपके एकदम सॉफ्ट पॉइंट पे हिट करेगा. ओके, तो ये हो रहा है. और दूसरा मुझे लगता है कि इन्होंने डेफिनेटली मैसेज लिख कर रखा है या लिख कर मिटाया है कई बार, बट उन्हें पता है उन्हें क्या बोलना है. मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन अभी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी तक आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू समझ नहीं रहे थे. काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया आपको, काफ़ी आपको वेट करवाया, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है. बट अब ये आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं एंड वो आपको और ज़्यादा वेट भी नहीं कराना चाहते. ओके, अब देखते हैं कि पर्सन इस रिलेशनशिप से आखिर चाह क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप से. ओके, सबसे पहला यहाँ पे है जर्नी बाय मूनलाइट, बिगिन नाउ. एंड यहाँ पे है जॉय एंड डिलाइट. ओके, पहली बात तो आपको बता दूँ, ये पर्सन सच में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. वो अब नहीं और वेट करवाना भी नहीं चाहते और वेट करना भी नहीं चाहते. वो अभी तुरंत इस रिश्ते में स्टेप्स लेना चाहते हैं आपकी तरफ और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. सो कहीं ना कहीं वो निकल पड़े हैं, उनका दिल कहीं ना कहीं यू नो जो चेंजेस उनके अंदर होने चाहिए वो अब हो रहे हैं. एंड दे हैव स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स यू, और उन्होंने अपना पहला कदम ले लिया है ऐसा मैं देख पा रही हूँ. जैसे मैंने बोला भी आपको कि बहुत जल्दी आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, तो पहला कदम इन्होंने ले लिया है. एंड मुझे लगता है अब ये पर्सन को समझ गया है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो और वो अपने हैप्पीनेस के तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि अब वो एम्ब्रेसिंग एनर्जी में है, मतलब अपने प्यार को भी फील कर पा रहे हैं और आपको भी अपना प्यार देकर वो डबल जो एक फीलिंग होती है ना प्यार वाली, वो फील करना चाहते हैं. हैप्पी एनर्जी में है ये पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक है काफ़ी ज़्यादा. एंड यू आर डेफिनेटली देयर हैप्पीनेस, आप उनकी हैप्पीनेस हो. एंड मुझे लगता है ये पर्सन भरोसा कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता समथिंग ब्यूटीफुल है, समथिंग कुछ खास है, ये रिश्ता कुछ खास है. ठीक है, ये पर्सन समझ पा रहे हैं अच्छे से, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं. एंड दे हैव अंडरस्टूड कि आप इनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, वो आपके सिवा हैप्पीनेस हैप्पी रह ही नहीं पाएंगे. ओके, और देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं. जैसे ही मैंने डेक उठाया, नीचे ये कार्ड है टू ऑफ कप्स. बहुत ज़्यादा प्यार करते ये पर्सन. एंड मुझे लगता है इस पर्सन का माइंड सेट ही काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन अभी तक जो देख नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे, वो समझ रहे हैं. यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, डिवाइन इंटरवेंशन. ओके, अभी 10-10 पोर्टल भी गया है, ये नंबर 10 ही है रोमन में, देख सकते हो. डेफिनेटली एक मुझे लगता है ये पर्सन इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, और यूनिवर्स भी चाहता है आप दोनों के रिश्ते को एक मौका देना. ठीक है, एंड एक नई बिगनिंग होना आप दोनों के बीच में. ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, अगर डिस्टेंस है, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको कम करना चाहते हैं. ओके, सी वो अपने पैशन को और नहीं छुपा पा रहे. नंबर टेन हो सकता है आपको 10-10 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा हो. ये पर्सन लिटरली अपने पैशन से नहीं भाग पा रहे हैं, नहीं छुड़ा पा रहे अपने
दर्द को, अपने पेन को, जो ये पर्सन ना जितना तो आपसे दूर दूर जा रहे हैं ना, एक एक कदम आगे लेना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल। ओके एंड मुझे लगता है ये फोर्सफुली दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, फोर्सफुली, क्योंकि इनसे खुद से हो नहीं रहा है, लेकिन अपने आप को ये बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। अपने पैशन को छुपा रहे हैं, अपने प्यार को छुपा रहे हैं, और वही इनके ऊपर एक बर्डन, एक बोझ बन रहा है। यहाँ पे 10 of C, वाओ, आई मीन तीनों 10 के एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली पर्सन अभी एकदम एंड पॉइंट पे आ चुके हैं, जहाँ पे अभी और नहीं लंबा खींच सकते हैं। जितना वो आगे बढ़ रहा है उतना वो पेन बढ़ रहा है उनका, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर आपके जितना आप अपने सच्चाई से जितना भागते हो ना आप, उतना ही आगे जाके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उतना ही आपको एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये पर्सन जितना अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, उतना ही एक बर्स्ट ऑफ इमोशंस होगा इस पर्सन का। एंड 10 of Swords इज़ नॉट गुड एनर्जी टू बी इन टू। ये इस 10 एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे एक एंड पॉइंट हिट कर देंगे ये पर्सन। हो सकता है बीमार भी पड़ जाए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण, ठीक है। लिटरली डोंट वॉन्ट दिस पर्सन इन दिस एनर्जी। ये एंडिंग नहीं करना चाहते रिलेशनशिप की, बहुत पसंद करते हैं आपको। टॉरस एम्प्रेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। और मुझे लगता है कि या तो आप बड़े हो इस पर्सन से, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एज में बड़े हो, ओके। और मुझे लगता है इस पर्सन के मन में आपकी जो जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता। अगर इनकी शादी भी चलो कहीं और भी हो जाए, होना नहीं चाहिए, आपके साथ ही होनी चाहिए, बट इन केस अगर कुछ लोगों की यहाँ पे अगर उनकी शादी किसी और के साथ हो जाए, तो भी वो उनके वाइफ को या उनके हस्बैंड को भी वो जगह नहीं दे पाएंगे जो आपके लिए है, ओके। बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ, फैमिली चाहते हैं आप। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार लग रहा है, जब ये आपके साथ थे तब ये शादी के बाद वाली लाइफ के बारे में बहुत बात करते होंगे कि मुझे तुमसे बच्चे चाहिए, यू नो आई वॉन्ट टू बी फादर और मदर ऑफ़ योर चाइल्ड, कुछ ऐसे बातें इन्होंने करी होगी। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत फील हो रहा है इस पर्सन को। एंड मुझे लगता है आप शाइन कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में जो भी करते हो आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हो। सी, मैंने बोला आपको ये एनर्जी इनको बीमार करेगी, ठीक है। 4 of Swords है, आई लिटरली फील के इनको यूनिवर्स हील करे, इनकी केयर करे, और आप भी हीलिंग भेजो। सुबह मैंने वीडियो डाला है हमारी मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा डेफिनेटली देखो। हीलिंग भेजो अपने पर्सन को, उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि वो ना तो अच्छे से सो पा रहे हैं, ना तो जागते हुए अच्छे से रह पा रहे हैं। सो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही परेशान है, बहुत ही बुरे हालत में है, ओके। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है, एंड मुझे लगता है कि एक एक दिन बहुत अजीब, बहुत ही मुश्किल से काट रहे हैं आपके बिना, ओके। चुभ रही है हर एक बात, हर एक सिचुएशन इनको याद आ रही है। सी, याद के ऊपर ही कार्ड है 6 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, यू नो, पुराना टाइम जो आप दोनों ने स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, जो एक्सचेंज ऑफ लव था, जो प्यार आपसे मिला, जो केयर आपने इनको दी, जो एक यू नो एक जो आप दोनों के बीच में एक नदी के जैसा बहाव था ना प्यार का, वो उसको याद आ रहा है उस पर्सन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको याद करे, मेमोरीज में खो चुके हैं लिटरली। यहाँ पे है, यहाँ पे हायरोफेंट, ओके। सो एज फार एज आई सी दिस, मुझे काफी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये टॉरस एनर्जी है, सबसे पहले तो बता दूँ। एंड मुझे लगता है ये पर्सन आई सी दिस पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, क्योंकि याद इतनी ज़्यादा आ रही है इस पर्सन को, प्रेशर इतना बढ़ रहा है आपको, आपके लिए अट्रैक्शन इतना फील हो रहा है, प्यार इतना ज़्यादा फील हो रहा है, कि दे वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़। मे बी वो किसी की मदद ले या किसी की गाइडेंस भी ले रहे होंगे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन ऐसा भी लगता है मे बी ये किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके लिए। 9 of Wands, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, झिझक, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं रीच आउट करने से। उनको लग रहा है पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं आप बात करोगे भी या नहीं, तो डर है इस पर्सन के मन में सारी सिचुएशन का।
एंड उस डर के वजह से भी रीच आउट नहीं कर रहे हैं. ओके, बहुत हर्ट है. बॉटम डेक में इस वक्त है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत पेन में है ये पर्सन. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छी एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी. ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है. बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. फुल मून इन पाइसिस, तो हो सकता है कोई यहाँ पे मून इन पाइसिस हो किसी का. पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन ना, इन्होंने आपके लाइफ का जो एक बैलेंस होता ना वो ही आपसे छीन लिया. ना आपका कहीं पे ध्यान लगता है, ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ पाते हो ठीक से, ना प्रैक्टिकल चीज़ों को आजमा पाते हो, तो आप एक बीच में अटक गए हो. तो आपके लिए यूनिवर्स यही कह रहा है कि बैलेंस करो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को, ठीक है. कंफ्यूज मत करो हर चीज़ को, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट यहाँ पे है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. वैक्सिंग क्रेसेंट मून है. देखिए मुझे लगता है कि यूनिवर्स अब चाहता है कि जो सपने आप दोनों ने देखे थे एक दूसरे के साथ, जो सपने आपने इस रिश्ते से, इस पर्सन से देखे थे ना, वो ज़रूर पूरे होंगे. बस आपको फेथ रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका फेथ, आपके जो बिलीव है, आप जो बिलीव करते हो किसी भी चीज़ पे, तो वो ना ढले, ठीक है. आपको फेथ रखना कि होगा. यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन. काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ना अब इस सिचुएशन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के पास. बोलिए यूनिवर्स को कि मैंने पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ मेरे प्यार को, मेरे रिश्ते को सरेंडर कर दिया है. अब आप जो करोगे वो मेरे लिए जो सही होगा वही करोगे, मेरा पूरा विश्वास है. और बस भूल जाओ, अपने काम में लगो, अपने अपने चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है. क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने इस रिश्ते के लिए, ये मून इन कैप्रिकॉन है, हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो हो, या आप हो सकते हो जिनका मून कैप्रिकॉन में है. तो आपने इस रिश्ते के लिए बहुत किया है, बहुत, चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो. अब सरेंडर करने की बारी आ गई है और आपको उसका जो रिवॉर्ड है, जो भी आपने दिया है, वो मिलने का टाइम आ गया है. ओके, एंजल गाइडेंस भी एक कार्ड निकालते हैं. एंजल्स क्या कहना चाहते हैं. एंजल चाहती है कि आप अपने आप को भी माफ़ करो, अपने आप के ऊपर भी ज़्यादा आपको, यू नो, यू डोंट हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. अपने आप को भी माफ़ करो, इस पर्सन को भी माफ़ करो, जो भी हुआ है उस चीज़ को भी माफ़ कर दो, ठीक है. जितना फॉरगिवनेस एनर्जी में आओगे उतनी चीज़ें बेटर होती जाएगी. एंड आपके अराउंड बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको फिर मदद लेने की सिर्फ ज़रूरत है, ठीक है. आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं. यहाँ पे पहला जो है, ऐसा लगता है तुम मेरी सोल मेट हो, तो इस पर्सन को आपसे एक सोल मेट कनेक्शन फील होता है. मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तो इस पर्सन को लिटरली ये फील हो पा रहा है कि उन्होंने आपसे बुरा किया है, आपको दुख दिए हैं. मैं अकेले में तुम्हें याद करके रोता हूँ. सी आई टोल्ड यू, बहुत बुरी हालत है इस पर्सन की. अकेलेपन में तुम और याद आते हो, तो इस पर्सन को जब ये अकेले होते हैं तब और याद आते हैं आप. यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो. एक कदम मैं बढ़ाऊँगा, एक तुम बढ़ाना. बहुत कुछ है दिल में जो बताना है. जितना तुम मेरे दिल के करीब हो उतना कोई नहीं, तो आप ज़्यादा करीब हो इस पर्सन के. धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारे वैल्यू समझ आ रही है.
बहुत कुछ है जो तुमसे शेयर करनी है, मतलब बहुत कुछ बातें हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। एंड लास्ट है, पास होकर भी हम कितने दूर है, अब अजनबी सा लगने लगा है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो ये दूरी है आप दोनों के बीच में, उसने आप दोनों को अजनबी कर दिया है एकदम एक दूसरे से। सो या, दैट वॉज द रीडिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स मैंने आपको बता दी कि वो नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है आपके साथ और आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताना मुझे, और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप रीडिंग चाहते हो वो भी शेयर करना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जल्द से जल्द उस पर रीडिंग बनाऊंगी। एंड मेरे और दो चैनल्स हैं, मिस्टिक हिंदी टारो और डिवाइन हिंदी टारो। अगर किसी वजह से आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, जहाँ पे मैं पॉजिटिव कोट्स या चीज़ें डालती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। एंड ब्रेसलेट की इंक्वायरी के लिए मैंने अलग से नंबर दिया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। सो या, दैट वॉज इट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।